हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसे आप लोग, मैं आशा करता हूं आप लोग सभी कोई ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों। तो जैसे कि मेरा पिछला व्लॉग में देख चुके होंगे, जो कि ट्रेन से हम कलकत्ता आए हैं तलगड़िया स्टेशन से, और अभी जो है कि दोस्तों हम यहां पे घूम रहे हैं कलकत्ता का गलियों में, और यहां पे गलियों में दुकान ही दुकान दिखाई दे रहा है हमको दोस्तों। और ये सब दुकान जो है हर एक टाइप का यहाँ पे दुकान बना हुआ है, और यहाँ पे जो है कि अब जो चीज़ का दुकान चाहिए वो चीज़ का यहाँ पे ये गली में दुकान लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है कि कपड़ा का दुकान है, वॉच का दुकान है, जूता का दुकान है, चप्पल का दुकान है, फल का दुकान है, हर एक चीज़ का दुकान है। लेकिन हम लोग का जो बोकारो सिटी है दोस्तों, बोकारो सिटी से काफ़ी जो है कि सस्ता में हमको यहाँ पे शर्ट उर्ट देखने को मिला, जो कि बाहर में बिकता है वह सब वहाँ पे 150 रुपया लेता है एक शर्ट का। लेकिन यहाँ पे जो है कि दोस्तों 50 रुपया करके पीछे में भैया जी एक है वो बेच रहे थे। तो यहाँ पे जो है कि काफ़ी एकदम बिजी सिटी है ये, और कलकत्ता का सियालदा जो सिटी है, सियालदा जो शहर है वहाँ पे हम हैं दोस्तों। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं, और यहाँ पे खुली एकदम प्लेस एरिया है, खुली एकदम पब्लिक प्लेस एरिया है, और हम यहाँ पे घूम रहे हैं जा रहे हैं। अभी दोपहर का टाइम है तो खाना वाना खाने के लिए निकले थे, तो होटल में खाना खाए, जो कि शुद्ध शाकाहारी भोजन हमको 50 रुपया मिला है, और हमको काफ़ी मज़ा आया दोस्तों यहाँ पर आके। ये जो है कि दोस्तों दिखने में छोटा सा शहर लग रहा है, छोटा सा मार्केट लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो है कि हम देखें यहाँ पे हर एक टाइप का यहाँ पे दुकान लगा हुआ है। और यहाँ पे जो है कि हम लोग को केला लेना है एक दर्जन, तो 60 रुपया दर्जन यहाँ पे केला दिया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग केला खरीद रहे हैं। तो आप लोग ये जो देख रहे हैं, ये चाचा जी है जो है ये केला बेच रहे हैं, और 60 रुपया दर्जन केला यहाँ पे दिया जा रहा है, और केला ही केला है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि काफ़ी मस्त मस्त केला है। ऐसा केला हमको जो कि चार बोकारो में देखने को नहीं मिलता है, वहाँ भी केला वाला बिकता है, यहाँ का जैसा केला देखने को नहीं मिल सकता। आप लोग देख सकते हैं कितना मोटा और कितना ही लंबा केला है, कितना बड़ा बड़ा है, तो 60 रुपया वसूल हो जाएगा। ये जो मेरा दोस्त संजय ये यहाँ पे केला ले रहा है दोस्तों। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है कि हम यहाँ पे दुकान काफ़ी सारा देखे, तो यहाँ पे हमको एक चप्पल का दुकान दिखाई दिया, आप लोग देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि भैया से पूछेंगे कि यहाँ पे चप्पल का कितना रेट है और कितना दाम में यहाँ पे भैया जी बेच रहे हैं। और हमको यहाँ पे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो है कि औरत के लिए यहाँ पे सैंडल और चप्पल वगैरह यहाँ पे बेचा जा रहा है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जो रोड में हम जा रहे हैं, ये रोड में हम लोग का जो है कि होटल लिया हुआ है, होटल में रूम लिया है, और यहाँ पे जो है कि खाना वाना का दुकान है बाहर में लोग देख सकते हैं। और सुबह को हम लोग यहाँ पे खाए थे, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का होटल का जस्ट बाहर में ही ये यहाँ पे होटल है खाने के लिए, और यहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाता है। दोपहर को यहाँ खाए हैं, तो हम जो होटल में रुके हैं वो होटल का भी हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाने वाले हैं कि कौन सा होटल में हम लोग रुके हैं। ये MG रोड है हमको लग रहा है, और वहाँ पे आप लोगों को एक जो है कि बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, जो कि रेड कलर से लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है होटल आइकन इंटरनेशनल रिसेप्शन। तो ये जो होटल दिख रहा है यही होटल में हम लोग रुके हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एंट्री कर रहे हैं, और इसी होटल में हम लोग दोस्तों। तो फाइनली जो है कि हम अपना रूम में पहुंच चुके हैं, जो कि दोपहर का टाइम खाना खाने के लिए होटल गए थे, और जो होटल हम आप लोगों को ब्लॉग में इसमें दिखाए हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन लिखा हुआ था उसी में दोस्तों, शुद्ध एकदम शाकाहारी भोजन खाए दोपहर का टाइम, और 50 रुपया प्लेट लिया हम लोग का चावल का। तो हम अभी रूम में पहुँच चुके हैं, और हम लोग का जो होटल आइकॉन है इंटरनेशनल यहाँ पे MG रोड कोलकाता सियालदा में, ये होटल काफ़ी बढ़िया है। आप लोग मेरा पीछे में देख रहे होंगे, ये होटल में लगा हुआ है एक जो है कि LCD लगा हुआ है दोस्तों, और इसमें जो है कि एक AC भी लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत पुराना AC है, लेकिन बहुत ही कूलिंग एयर आ रहा है AC से, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये देख सकते हैं एक यहाँ पे मिरर दिया हुआ है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो को यहाँ मेरा दोस्त है, इन लोग सो के यहाँ पूरा एकदम मज़ा ले रहा है, सोया हुआ है इन लोग, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए हैं वहाँ से घूम गए हैं। तो और हम लोग का होटल का जो हम लोग रूम लिए हैं होटल में दोस्तों, इसका नज़ारा देख सकते हैं। हम लोग कपड़ा वगैरह यहाँ पे टांग के रखे हैं, यहाँ पे हैंगर दिया हुआ है कपड़ा टांगने के लिए, यहाँ पे जो है कि पुराना डिजाइन के AC दिया हुआ, लेकिन कूलिंग जो है कि बढ़िया मस्त है। हम लोग अभी जो है कि 16 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे करके रखे हैं, 16 डिग्री टेम्परेचर, और यहाँ पे हम लोग का बेड है जो कि बड़ा सा बेड है, जो कि 4 आदमी आराम से यहाँ पे सो सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग काफ़ी सारा हम लोग का बैग सामान वगैरह पड़ा हुआ है। तो ये रूम जो है कि दोस्तों काफ़ी बढ़िया यहाँ पे लिया हुआ है, और एक दिन का रूम रेंट हम लोग का यहाँ पे 1600 रुपया लेता है ये रूम का। तो दोस्तों ये ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग में हम मिलते हैं कोलकाता कहीं, जो कि बहुत ही फेमस ब्लॉग बनाएंगे कोलकाता का, जो कि फेमस फेमस चीज़ है कोलकाता का, वो ब्लॉग बनाएंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग के लिए दोस्तों मेरा ये
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो मेरा चैनल नया है सब्सक्राइब कर दें दोस्तों। तो चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, हम मिलते हैं अगला ब्लॉग में।